Everyone happy about the cricket? Pura Pakistan naach raha hai, disco kar raha hai, India World Cup jeet gaya T20 ka. Very good. Oh, chhakka! Jeet gaya. Chintu naach raha bhai. Chintu kahan naach raha hai? Chintu to aise naach raha hai jaise iske kisi rishtedar ka walima ho. दोस्तों इंडिया के जीतने पे बुर्ज खलीफा की रंग बिरंगी लाइटें टीम इंडिया के लिए चला दी गई थी, यानी पूरी दुनिया में ही इस टीम को मुबारकें दी गई। कह रहा पाकिस्तानियों को छक्का पसंद है, समझ रहे हो? मतलब जो लगता क्रिकेट मैच में बड़ा हरामी हो बेटा। पंजाबी में कहावत है कि थोड़ी अन्नी नु थोड़ा मिल जाए ना बोतल आनी तो मन। पाकिस्तान टीम के ऊपर जब तक फिटनेस के ऊपर काम नहीं होगा, हमारी टीम इंडिया की जैसी परफॉर्मेंस कभी भी नहीं दे पाएगी। और नहीं तो क्या? आपको एक मजेदार बात बताऊं? बोला। पाकिस्तान में बाबर आजम की नीलामी हो रही है। क्या बात कर रहा है? बोलिया लग रही है। $25 में ले लो, $20 में ले लो, हम फर्स्ट। बाबर को ले लो, उस्मान को ले लो, आप दो ना, 2,500 रुपए किलो। ये पाकिस्तानी प्लेयर गरीब बेचारे, खाता खाना पीना है नहीं था, जब एकदम पैसा आया वो पागल हो जाते। मुझे ये समझ में नहीं आती कि जिन लोगों को अपनी शनाख्त का पता ना हो कि उनकी क्रिकेट टीम दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, वो मुझे बता रहे होते हैं कि हुबुल वतनी क्या है, मुहिब वतन होना क्या होता है। ये पाकिस्तानी रिपोर्टर पाकिस्तान का नंबर 1 जोकर रिपोर्टर है। रिपोर्टिंग कम करता है, जोकर पना ज्यादा करता है, लेकिन कुछ सीरियस रिपोर्टर भी है पाकिस्तान में। ये वर्ल्ड कप जो है ये एटीट्यूड का वर्ल्ड कप था, यानी इसके अंदर इंडियन प्लेयर्स बहुत अच्छा खेलते हैं, वो ट्रेनिंग बड़े सख्त हालात में करते हैं और वो क्रिकेट को प्रोफेशनली बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, यानी बॉलिंग का शोभा हो, फील्डिंग का शोभा हो। हैं? क्या हुआ, क्यों नाच रहे हो? कौन जीत गया? अहमद। क्या बोल रहे अहमद भाई? ये चिंटू बोल रहे हम जीत गए। अच्छी मेरा वर्ल्ड कप हम जीत गए? कौन सा वर्ल्ड कप यार, पाकिस्तान तो क्वार्टर में भी नहीं गया। लेकिन इंडियन बैट्समैन इतने कंसिस्टेंट हो चुके हैं कि उनको इस टाइम किसी का प्रेशर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम पाकिस्तान टीम का जो ख्वाब है टीम इंडिया से जीतना वो कभी पूरा हो सकेगा। बेटा तुम्हारे ख्वाब है ना, ख्वाब ही रहेंगे। क्वार्टर में भी नहीं गया पाकिस्तान तो वापस आ गए सारे अंग्रेजी बोल के। डेफिनेटली। बस करो भाई बस करो, अब इससे ज्यादा अंग्रेजी मैं सुन ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ईपी भाई को भी गुस्सा आ रहा है अभी। जानते थे आपकी T20 की टीम है नहीं, अबे कंकशन पे तुमने रिजवान के 50 करवा दिए टेस्ट में, हमने भी देखा जहाँ पे जरूरत नहीं थी, आईसीओ से निकाल के तुमने वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला दिया। अबे ये कौन सी लानतें बरस रही है पाकिस्तान के क्रिकेट में? जबकि सरफराज हमने क्या गुस्सा ही कर ले जिंदगी भर? हाँ, हमने क्या हार ही निकालनी है? टांगे तुम्हारी इस काबिल नहीं है कि तुम दुनिया की 20 नंबर की टीम को कम्पीट कर सको, यूएसए जैसी टीम को? और बातें इतनी बड़ी तुम्हारी घंटे के किंग की लालत है यार। फिर मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हार जाते हैं, शेक्सपियर की कब्र को भी लात लगा दी, और खेलना तो वैसे इनको नहीं आता, मैं चिंटू एजाज की टीम चले जाते, हम जीत जाते इनसे ज्यादा मैच। कौन जीत गया, क्यों खुश हो रहा है चिंटू, क्या हो गया, क्या मसला क्या तेरे साथ? इंडिया मैच है, इंडिया मैच, इंडिया जीत गया। हाँ भाई हाँ, तू क्यों नाच रहा भाई, इंडिया जीत गया तो तू नाच रहा है? कमाल लोग हैं यार। मैं जरा अगर कोई बात कर दूं तो कहते हैं मेरा हुबुल वतनी का सर्टिफिकेट छीन लेते हैं। पूरा पाकिस्तान नाच रहा है, डिस्को कर रहा है, इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया T20 का। यार वो एक बड़े मशहूर वजीर का एक डायलॉग था, कुछ शर्म हो। मुझे यह समझ में नहीं आती कि जिन लोगों को अपनी शनाख्त का पता ना हो कि उनकी क्रिकेट टीम दरअसल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम है, वो मुझे बता रहे होते हैं कि हुबुल वतनी क्या है, मुहिब वतन होना क्या होता है। भाई आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को सपोर्ट करोगे? अगर ये कहा जाए कि भारतीय बॉलर्स ने साउथ अफ्रीका से जीता हुआ मैच छीन लिया तो गलत नहीं होगा। बहरहाल भारत को दूसरी बार T20 का आलमी चैंपियन बनने पे बहुत मुबारक हो। रोहित शर्मा हो, कोहली हो, इन समेत तमाम प्लेयर्स ने कमाल खेल पेश किया, और मैं तो कहूंगा क्या जबरदस्त कैरेक्टर शो किया है कि रोहित की कप्तानी और कोहली की बैटिंग का फैन तो मैं पहले भी था, पर जो उन्होंने ट्रॉफी जितवा कर नए आने वालों के लिए जगह छोड़ दी है और रिटायरमेंट ले ली है, तो मैं आपको बताऊँ इसे साबित हो गया कि दोनों इंसान भी बहुत बड़े हैं। हिंदुस्तान में सब चीज बढ़िया है, और सब चीज अगर कहीं घटिया है तो वो पाकिस्तान के अंदर है, ये बात तुम तस्लीम कर लो, मान लो, स्वीकार कर लो, उसी दिन से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। ये बाबा बंटी का आशीर्वाद है तुमको।
और ये वही रिपोर्टर है जो इजमाम उलक की हाँ में हाँ मिला रहा था और ये कह रहा था कि अर्शदीप ने बॉल रिवर्स थिंक कर रही है ना, तो वो गेंद बनाई उन्होंने, मतलब टेम्परिंग की, बॉल टेम्परिंग। समझ गया। अब भारत की जीत की बधाइयां दे रहा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ मैं आपको, अगर भारत की टीम ये मैच हार जाती, फाइनल हार जाती, आप लोग दो दिन तक सोशल मीडिया का बायकॉट कर चुके होते, क्योंकि पाकिस्तानी इतने मीम बना देते, इतने मीम बना देते, आप सोशल मीडिया खोल के नहीं देखते। और सबसे मेन तो आपको खुद को तकलीफ होती है, आपको कुछ करने का भी मन नहीं करता। जो जज्बात, जो फीलिंग्स हमारे देश के साथ, हमारी जो भावनाएं जुड़ी होती है, वो बहुत बहुत गहरी होती है। और ये वीडियो देखिए आप, इससे ज्यादा गहरी भावना आपको कहां मिलेगी। आप जितना पाकिस्तान में नाच गाना और डिस्को डांस मैंने इंडिया के क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीते हुए देखा है, मैं हैरान हो रहा हूँ यार, मैं हैरान हो रहा हूँ। मतलब यहाँ मैं क्या यार हलीम पकाने के लिए आता हूँ यार। तुम क्या पकाने आते हो ये बताइए, हमारी फिजा। ठीक है जी। फिजा क्या पकाता है ये? हलवा पकाए। हलवा पकाओ हलवा, क्योंकि तुम्हारी है सूजी। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हार जाते कम से कम अपने घर वालों को तो मुतमईन कर दो। कोई माफी नहीं मांगी? माफी गई जेल लेने वाली क्रिकेट में हार जीत होती है, माफी किस बात की यार। अबे लोगों को तो बता दो, इतना बड़ा एलिगेशन लगा हुआ है, कम से कम निकल लो बाहर, बताओ कि यार मैं सब कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। मैं भी जानता हूँ बाबर आजम दुनिया का हर बदतरीन टीम से मैच हार जाएगा। छोड़ो यार काम वाम यार, क्या काम करना है हमें, समझ में नहीं आ रहा, हमें अपने ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता कि हम क्या है। किट्टू वो वीडियो बनाते रहते हैं हमारे खिलाफ, हमारे हम पाकिस्तानियों के खिलाफ बनाते रहते। देखो यार हमारे मुल्क के अंदर तो लोग कितनी मोहब्बत करते हैं उनसे, वो वर्ल्ड कप जीते, तौसीफ ने तो चप्पलें तोड़ दी। भाई तू चप्पल तो नहीं, अच्छा नाच नाच के तोड़ी तुमने। कोई बात नहीं यार, कोई बात, चल कोई तो बोल रहा है मेरी टीम जीत गई। देख क्या बोल रहा है, कह रहा मेरी टीम जीत गई वर्ल्ड कप, ये टीम पाकिस्तान की टीम है। कैसे हंस रहा है, धान निकाल रहा है, जहाज बना हुआ है, ये मैच भी जहाज बन के देख रहा था, वो छक्का छक्का नहीं था लेकिन कह रहा छक्का था, कह रहा पाकिस्तानियों को छक्का पसंद है, मतलब जो लगता क्रिकेट मैच में है। एजाज तुम ये हरकतें नहीं करो टीवी पर, मैं अलाउ नहीं है बिल्कुल। खैर हो गया, अच्छा लोग सोच रहे होंगे यार बिजनेस का प्रोग्राम क्रिकेट के ऊपर बातें, एंकर अपने आप को इन्हीं चीजों में मसरूफ रखे तो ठीक है। ये पाकिस्तानी जोकर रिपोर्टर अक्सर इकोनॉमी पे वीडियो बनाता है, इकोनॉमी पे अपनी राय रखता है, इसका सुबह उठते इकोनॉमी मसला होता है, शाम को सोते हुए भी इकोनॉमी मसला होता है, जो कि पाकिस्तान का नेचुरल मसला है, सब जानते हैं। वाह भाई वाह। एक एक बिलियन डॉलर के लिए पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान का मुल्क, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान का पीएम सब भीख मांग रहे हैं, तो ये रिपोर्टर अगर भीख मांग रहे हैं, इकोनॉमी पे बात कर रहे हैं, तो इनका बनता भी है। लेकिन हिंदुस्तान की जीत पे ये कैसे चिड़ा हुआ है, कैसे जलन हो रही है, इसके अंदर पॉपकॉर्न की तरह उछल रहा है। खैर पाकिस्तानियों तुम्हारी तकलीफ के बिना, तुम्हारे दर्द के बिना हमारे को मजा भी कहां से आता है, जीत के अंदर कोई तो होना चाहिए था हमारी जीत के ऊपर हमें तंकीद करने के लिए। आखिर क्यों? हमारी जीत के बाद हमें भी तो लोगों के सूजे हुए चेहरे देखने थे, हमको भी तो आनंद लेना था, हमारे खिलाड़ियों को देख के तो हमारा दिल खुश हुआ हुआ। असली आनंद तुम्हारे को ऐसे तवे, गर्म तवे पे उछलता हुआ देखने में जो आनंद आता है, वो भी नेक्स्ट लेवल है। तो पाकिस्तानियों तुम ऐसे ही तड़पते रहो, मचलते रहो, बिलबिलाते रहो, कोसते रहो, तुम्हारी कौम बनी इसीलिए। हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।